দেশের নয় ব্যক্তিগত স্বার্থ সিদ্ধির জন্য গঠিত হয়েছে আইএনডিআইএ। পরিবারতন্ত্রকে মজবুত করার জন্য এই জোট তৈরি হয়েছে। 2024 নির্বাচনের ফল সামনে এলে সমস্ত কিছু পরিষ্কার হয়ে যাবে। আবার মোদিজি আমাদের প্রধানমন্ত্রী হবেন। বিরোধী জোটকে কটাক্ষ, কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিকের। যেমনটি জানাচ্ছি আপনাদেরকে, নিশীথ প্রামাণিক অর্থাৎ স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী তিনি রীতিমতো টুইট করেছেন এবং টুইট করে তিনি অভিযোগ করছেন যে এই জোট অর্থাৎ আইএনডিআই যে জোট সে জোট ভেঙে যাবে এবং পরবর্তী সময় আবারও প্রধানমন্ত্রী হবেন নরেন্দ্র মোদী। কি বলেছেন তিনি টুইটের মাধ্যমে, পাঠ শোনাব আপনাদেরকে। जितने सारे लोग थे कांग्रेस के साथ जुड़कर ये गठबंधन आईएनडीआईए बनाने का प्रयास कर रहे हैं, सभी लोग स्वार्थवादी हैं और अपने परिवार को और परिवार की लोगों को और परिवार तंत्र को ज़्यादा मजबूत करने के लिए ही किया है। अगर पश्चिम बंगाल का बात करें तो पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का बहुत सारा कार्यकर्ता का हत्या भी हुआ है और उनके साथ निर्यातन भी हुआ है और इन सभी का जो मामला है इसका केस में टीएमसी दुष्कृति का ही नाम है। बाद में देखा कि बेंगलोर में जाके ये जो कांग्रेस का जो नेता है और टीएमसी का जो नेता है एक साथ बैठकर वो लोग बिरयानी खा रहे हैं, तो इसी को कहते हैं कि राज्य में कुश्ती और बेंगलोर में जाके दोस्ती। जैसे ही 2024 का जो लोकसभा चुनाव है इसका नतीजा सामने आएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और 200% गारंटी के साथ कह रहे हैं फिर से 2024 में सरकार आ रहा है और उसमें मोदी जी ही प्रधानमंत्री बने। দেশের নয় ব্যক্তিগত স্বার্থ সিদ্ধির জন্য গঠিত হয়েছে আইএনডিআইএ। পরিবারতন্ত্রকে মজবুত করার জন্য এই জোট তৈরি হয়েছে। 2024 নির্বাচনের ফল সামনে এলে সমস্ত কিছু পরিষ্কার হয়ে যাবে। আবার মোদিজি আমাদের প্রধানমন্ত্রী হবেন। বিরোধী জোটকে কটাক্ষ, কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিকের। যেমনটি জানাচ্ছি আপনাদেরকে, নিশীথ প্রামাণিক অর্থাৎ স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী তিনি রীতিমতো টুইট করেছেন এবং টুইট করে তিনি অভিযোগ করছেন যে এই জোট অর্থাৎ আইএনডিআই যে জোট সে জোট ভেঙে যাবে এবং পরবর্তী সময় আবারও প্রধানমন্ত্রী হবেন নরেন্দ্র মোদী। কি বলেছেন তিনি টুইটের মাধ্যমে, পাঠ শোনাব আপনাদেরকে। জিতনে সারে লোক থে কংগ্রেস কে সাথ জুড়কর ইয়ে গঠবন্ধন আইএনডিআইএ বানানে কা প্রয়াস কর রহি হ্যায়, সভি লোক স্বার্থবাদী হ্যায় অর আপনে পরিবার কো অর परिवार की लोगों को और परिवार तंत्र को ज़्यादा मजबूत करने के लिए ही किया है। अगर पश्चिम बंगाल का बात करें तो पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का बहुत सारा कार्यकर्ता का हत्या भी हुआ है और उनके साथ निर्यातन भी हुआ है और इन सभी का जो मामला है इसका केस में टीएमसी दुष्कृति का ही नाम है। बाद में देखा कि बेंगलोर में जाके ये जो कांग्रेस का जो नेता है और टीएमसी का जो नेता है एक साथ बैठकर वो लोग बिरयानी खा रहे हैं, तो इसी को कहते हैं कि राज्य में कुश्ती और बेंगलोर में जाके दोस्ती। जैसे ही 2024 का जो लोकसभा चुनाव है इसका नतीजा सामने आएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और 200% गारंटी के साथ कह रहे हैं फिर से 2024 में सरकार आ रहा है और उसमें मोदी जी ही प्रधानमंत्री बने।